तो हेलो दोस्तों आज हम अपने मल्टीमीटर के अंदर एलईडी लाइट लगाएंगे इसकी डिस्प्ले के अंदर एलईडी लाइट ताकि हम इसका अंधेरे के अंदर भी यूज कर सके अपने वर्क में तो ये काफी अच्छा मॉडिफिकेशन है मल्टीमीटर का इससे पहले भी मैंने मल्टीमीटर के अंदर काफी मॉडिफिकेशन कर रखे हैं जिसका वीडियो आप देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों वैसे ये फ्यूचर कंपनी को अपनी तरफ से देना चाहिए चलिए कोई बात नहीं अगर आप अपने मल्टीमीटर को लाइटिंग वाला बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो कम्पलीट देखिए तो ये एलईडी का हम यूज करने वाले हैं जो की मार्केट में आपको पांच से छह रुपए की मिल जाती है बहुत ही सस्ती होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर ईजिली मिल जाएगी This video is sponsored by LTM 365. LTM 365 is the first open electronic hardware deployment platform that fosters a secure collaborative design environment that accommodates diverse ECAD file formats. It helps organizations deliver better products faster than ever before. LTM 365 is also has with designing sharing via web. You can share your PCB design on a web and get feedback from them. Sharing designs to a mechanical team for a product design, centralized cloud storage and a lot more. Want to be job ready in electronic designs? Try. Altium Student Lab you can get free access to our Altium Designer and Altium 365 it is a great way to boost your skills and your resume just enter your university email to get started for free learn real skills and lead to real jobs with Altium Student Lab so do try out all these services now as you will be getting a free trial version by just clicking link mentioned in the description सो so सोगाइ सबसे पहले स्टेप में हमें अपने मल्टीमीटर को ओपन करना है तो यहाँ पर हम अपने वायर्स वगैरह हटा देते हैं और मल्टीमीटर को ऑफ कर देते हैं पीछे की साइड दो स्क्रू होते हैं जिनको खोलने के बाद दोस्तों ये मल्टीमीटर पूरा खुल जाता है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बहुत ही सिंपल कनेक्शन है जो कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा यहाँ पर हम अपने एलईडी के दोनों वायर्स को कनेक्ट कर लेते हैं पहले उसके बाद इस मल्टीमीटर के अंदर कहाँ लगाने वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको बस एलईडी के वायर्स का ध्यान रखना है प्लस का प्लस में माइनस का माइनस में अगर उल्टे लग जाते हैं तो कुछ नहीं होगा चले

तो अब हमारा एलईडी का वर्क तो कम्प्लीट हो गया इसे लगानी कहाँ पर है दोस्तों डिस्प्ले से थोड़ी सी पीछे हमें लगानी है मतलब कि जो बॉडी है हमारे मल्टीमीटर की उसके ऊपर अटैच करनी है इसे तो यहाँ पर मैं डबल टेप का यूज करूंगा डबल टेप पर लगाकर दोस्तों अपनी एलईडी को इसके ऊपर चिपका दूंगा ताकि हमारी ये डिस्प्ले से दूर रहे और मल्टीमीटर की डिस्प्ले पर चारों तरफ लाइटिंग फ्लो करे ताकि हमें अच्छे से डिजिट्स भी दिख सकें तो यहाँ पर हमारा वर्क तो हो गया कंप्लीट इसको मैं जल्दी से पैक करके आपको दिखाता हूँ एक बार चेक कर लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से लाइटिंग वर्क कर रही है यहाँ पर मैं जल्दी से कस देता हूँ तो दोस्तों ये मॉडिफिकेशंस तो आपने देख लिया मल्टीमीटर का इससे पहले मैंने इसी मल्टीमीटर को रिचार्जेबल भी बनाया था ताकि आप इसमें नाइन वोल्ट की बैटरी बार बार डालने से परेशान ना हो डायरेक्टली मोबाइल के चार्जर से अपने मल्टीमीटर को चार्ज कर सकते हैं तो दोस्तों ये भी मॉडिफिकेशन मैंने कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और हाँ दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारा मल्टीमीटर कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है अब मैं आपको अंधेरे के अंदर भी इसका यूज करके दिखा देता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हर एक डिजिट क्लियर दिख रही है अंधेरे के अंदर बिल्कुल यहाँ पर गुप अंधेरा है और बिल्कुल ही ये क्लियर डिजिट दिखा रहा है हमारा जो मल्टीमीटर है तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा वर्क कर रहा है आप देख सकते हैं दोस्तों इस मॉडिफिकेशन को करने के बाद दोस्तों हमारे मल्टीमीटर के अंदर बैटरी जल्दी से जल्दी कंज्यूम होगी तो इसके लिए मैंने एक मॉडिफिकेशन कर रखा है जिससे आप इसको रिचार्जेबल भी बना सकते हैं जल्दी जल्दी बैटरी भी पिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप इसे मोबाइल के चार्जर से भी चार्ज कर पाएंगे तो वो मॉडिफिकेशन की वीडियो आप देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चलिए बाय